सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ कैश विन मेक मनी अर्न कैश एप्लीकेशंस का पेमेंट प्रूफ और विड्रॉल प्रूफ के बारे में। क्या आप लोगों को कैश विन मेक मनी अर्न कैश एप्लीकेशंस को यूज़ करके रियली में पेपाल एंड पेटीएम मनी रिसीव होने वाला है या नहीं? आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के सामने कैश विन मेक मनी अर्न कैश एप्लीकेशंस पर लाइफ वन डॉलर का पेपाल मनी को विड्रॉल करने वाला हूँ। उसके बाद बात करने वाला हूँ क्या मुझे कैश विन मेक मनी अर्न कैश एप्लीकेशन की तरफ से रियली में वन डॉलर का पेपाल मनी रिसीव होने वाला है या नहीं। साथ ही साथ बात करने वाला हूँ कि कैश विन मेक मनी अर्न कैश एप्लीकेशन इस रियल और फेक एंड इस एप्लीकेशन को यूज़ करना सही या नहीं। आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के साथ कैश विन मेक मनी अर्न कैश एप्लीकेशन के बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। सो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो कि मैंने कैश विन मेक मनी अर्न कैश एप्लीकेशन पर टोटल यहाँ पर 10,400 कॉइन को अर्न कर लिया है। सिंपली गाइस मैं आप लोग के सामने लाइफ वन डॉलर का ही पेपल मनी को विड्रॉल करने वाला हूँ। उसके बाद बैट करने वाला हूँ क्या मुझे रियली में वन डॉलर का पेपल मनी रिसीव होने वाला है या नहीं। मुझे वन डॉलर को सिलेक्ट करना है। सो गाइस मैं यहाँ पर वन डॉलर को सिलेक्ट करा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मुझे यहाँ पर मेरा पेपल आईडी को फिल करने के लिए बोला गया है। सो गाइस मैं यहाँ पर मेरा पेपल आईडी को फिल कर लेता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर मेरा पेपल आईडी को सक्सेसफुली फिल कर लिया। सिंपली गाइस मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस जस्ट मुझे रिडीम वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए बोला गया है। सो गाइस मैं रिडीम वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। एंड गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा रिडीम रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सिंपली गाइस आप लोग देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन से गाइस मुझे यहाँ पर वन डॉलर का पेपल मनी को रिसीव करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पर 20 फ्रेंड को रेफर एंड इन्वाइट करने के लिए बोला गया है। सिंपली गाइस मुझे कैंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो गाइस मैं कैंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। सो गाइस जैसे हमने रिडीम वाला ऑप्शन पर करा क्लिक। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन से मुझे वन डॉलर का पेपल मनी को रिडीम और विद्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑल गाइस मस्ट भी यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 20 फ्रेंड को रेफर एंड इनवाइट करने के लिए बोला गया है। सो गाइस जैसे मैं यहाँ पर 20 फ्रेंड को रेफर एंड इन्वाइट कर लूँगा उसके बाद ही गाइस मैं इस एप्लीकेशन से वन डॉलर का पेपल मनी को रिडीम और विद्रॉ कर पाऊंगा। इस तरह गाइस मुझे इस एप्लीकेशन के ऊपर दिखाई देगा। बट गाइस मैं आप लोगों को क्लियरली बोल लेना चाहूँगा गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन पर आप लोग कभी भी 20 फ्रेंड को रेफर एंड इन्वाइट नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पर 20 फ्रेंड को रेफर एंड इन्वाइट कर भी लोगे उसके बाद रिडीम और विद्रॉ करोगे गाइस या फिर 100% श्योर नहीं कि ये एप्लीकेशन आप लोगों को पेपल मनी प्रोवाइड करने वाला है। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को अपना ओन रिस्क लेके यूज़ करना चाहते हो फ्रेंड गाइस मस्ट भी आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अगर ये एप्लीकेशन रियली में रियल होता तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर 10,000 कॉइन के लिए आप लोगों को यहाँ पर 80 रुपीज़ का पेटीएम मनी रिसीव होने वाला है। सिंपली गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अगर यहाँ पर 10,000 कॉइन इक्वल टू वन डॉलर है तो देन गाइस आप लोगों को 10,000 कॉइन के लिए यहाँ पर 80 रुपीज़ का पेटीएम मनी मिलना सही था। बट गाइस आप लोग को यहाँ पर 10,000 कॉइन के लिए जस्ट और जस्ट 10 रुपीज़ का ही पेटीएम मनी रिसीव होने वाला। इस तरह गाइस आप लोग को यहाँ पर एंड गाइस बैठ किया जाए तो कैश विन मेक मनी अर्न कैश एप्लीकेशन इज रियल और फेक। सो गाइस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को अपना ओन रिस्क लेके यूज करना चाहते हो एंड गाइस मस्ट भी आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पर 100% श्योर नहीं कि आप लोगों को कैश विन मेक मनी अर्न कैश एप्लीकेशन की तरफ से 100% पेपल मनी रिसीव होने वाला है। अगर आप लोग रियल में रियल एंड लेजिट पेपल मनी अर्निंग एप्लीकेशन पर वर्क करके पेपल मनी को अर्न करना चाहते हो एंड गाइस मैं आप लोगों को रियल एंड लेजिट अर्निंग एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस एप्लीकेशन पर वर्क करके गाइस आप लोग रियल में पेपल मनी को अर्न कर सकती हो। एंड गाइस मैं आप लोगों को क्लियरली बोल लेना चाहूंगा कि ये एप्लीकेशन गाइस टोटली फेक एंड स्कैमिंग होने वाला है। इस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मस्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन का रिव्यू को रीड कर लेना। सो गाइस जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन का रिव्यू को रीड करोगे उसके बाद गाइस आप लोग डेफिनेटली आइडिया कर पाओगे कि ये एप्लीकेशन आप लोगों को कभी भी पेमेंट प्रोवाइड नहीं करने वाला। इस तरह गाइस आप लोग को इस एप्लीकेशन के ऊपर मोस्ट ऑफ नेगेटिव रिव्यू देखने के लिए मिलेगा। इसलिए गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन को अपना ओन रिस्क लेके यूज कर सकते हो। बट गाइस मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए रिकमेंड एंड सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ।